देखे जा रहे हैं। बड़े दिनों के बाद आज नौमान जो भी काम को अंजाम दे रहे हैं, तो मुकाबला दोनों टीम मंदे, तो मंदे की दोनों ऑनर, मंदे के दोनों ऑनर बड़े चतुर हैं, एहसान हार्डवेयर और अरशद दोनों टॉप टीम को उतारा है। अब ये देखना है कि क्या चले भाई लाइव को शेयर। तो मैं देख रहा हूँ कि प्रेम प्रकाश चतुर्वेदी, पूर्व प्रधान भागवत और शेयर कर दीजिए भाई, लाइव को शेयर कर दीजिए आप लोग। शर्मा भागवत हमारे इस टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट मेहमान खास कप बंदे, मंदे कप में आए हुए तमाम तमाशगीनों का ओपनर बल्लेबाज देते हैं, ओपनर बल्लेबाज सलामी जोड़ी तुरंत ग्राउंड में भेजते हैं, सलामी जोड़ी तुरंत भेजे क्योंकि आज ही फाइनल मुकाबला कराना है, जो फर्स्ट प्राइज 25,000 रुपया और कहां बैठे हैं, मतलब फर्स्ट प्राइज 25,000 भाई, ये मंदे पड़ता है चिरैया कोर्ट और जहानागंज के बीच में, सेकंड प्राइज 12,000 डॉक्टर कामरान खान साहब की जानिब से और मैन ऑफ द मैच अरशद मोहम्मद सलीम कुवैती की जानिब से और मैं अब्दुल सीरीन असलम एडवोकेट मंदी की जानिब से। तो मंदी के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। भाई ये यहाँ पर सब रात नहीं आई थी, ग्राम सभा नहीं है भाई, इसरा खिलाड़ी हमारे पास भेज दे, दोनों टीम इसरा खिलाड़ी भेज दे, अरशद और एहसान हार्डवेयर दोनों ऑनर बॉलर नेम, बॉलर नेम बल्लेबाज नेम, भाई बॉलर नेम और बल्लेबाज अपना नाम बता दे, बेहतर ये होगा कि एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे पास भेज दे दोनों टीम, अलाउंसरी करने मजा है, नौमान भाई एक्स्ट्रा खिलाड़ी कोई भेज दे, बॉलर नेम बता दे, अभय बल्लेबाज इसरार, तो अभय 10 नंबर की गेंद, सिर्फ सीधे नहीं रह रहा है, स्टॉप देखा जाए तो 25 से 30 कदम राइट आर्म ओवर की विकेट, पटकी हुई गेंद थी और गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, कार्ड पेड के जरिए गेंद गई, बल्ले से संपर्क नहीं, बाकी काम विकेट कीपर नौमान 4+4 पहले ओवर की पहली गेंद पटकी हुई। वालेकुम सलाम भाई, लाइव को शेयर करते रहिए भाई, आप लोग लाइव को शेयर करते रहिए, नौमान एंड कंपनी इसरार एंड कंपनी अपना नाम अभी हम तक नहीं पहुंचे, फिर राइट आर्म ओवर की विकेट अपना की जानी, दौड़ना शुरू किया विकेट पाई गेंद की, उठाकर खेलना चाहते थे उससे पहले कि आप पिस्टेक से काफी बाहर की जाने जा रहे थे, अंपायर का इशारा वाइड, तो एक इशारा रन मिलता हुआ, तो एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, एक रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे पहला ओवर जारी, शेयर करिए, शेयर करिए लाइव को, अभय अभय बल्लेबाज है अभय, राइट आर्म ओवर की विकेट, तो देखा जा रहा है अंपायर का कुछ डिसीजन, जींस गया 5 रन भाई, बल्लेबाज किसी खिलाड़ी का नाम मालूम नहीं, अपने इसरा खिलाड़ी को यहां पर दे दे क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच रखा गया है। हाँ भाई जींस 5 रन माइनस हो जाएगा, हो गया क्या भूख जाएगा, अरे यार माइनस दूसरे आदिल बल्लेबाज है आदिल, चलिए माइनस 3 से सही में, तो मैं देख रहा हूँ कि इसरार कैप्टन और आदिल
अबे दौड़ना शुरू किया और उतार खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर। ओसामा नहीं है भाई, ओसामा नहीं है भैया, ग्राम सभा मैच नहीं है यार, कैसे बताएं आप लोग। तो आदिल, अरे वाइट नहीं थी रंजीत भैया, वाइट आ रहा। तो यानी स्कोर कितना हुआ, दो रन। तो पांच माइनस करने के बाद अब तक इनका दो रन। तो ये कहा जाए कि छक्का तो फ्री में गया, फिर उसी अंदाज से खेलना चाहते थे कार्ड ट्रेड के जरिए गेंद। भाई इसरार भाई है और भाग कर इसरार इस टूर्नामेंट में क्या खास है भैया, सब खास है इस टूर्नामेंट में। पूर्वांचल के लगभग सभी खिलाड़ी आए हुए हैं इस टूर्नामेंट में, बिना कोई विकेट के नुकसान पे पहला ओवर प्रगति पर। तो देखा जाए बॉलर अब है 10 नंबर विकेट में और कप्तान इसरार के लिए बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में नौमान और इसरार का। तो आज इसरार क्या करेंगे, लाल लाल रंग दिखी जा रही है और पहली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे और नो बॉल का इशारा, अब फंस गए। शेयर करिए भाई आप लोग, फंस गए जाल में, नो बॉल का इशारा आता हुआ। तो इस नो बॉल के साथ तो नो बॉल का इशारा आ चुका है। टीपू में देख रहा हूं कि अंपायर से कुछ गुफ्तगू करते हुए कुछ दिक्कतें आई हैं। तो टीपू अपने अपने अपील लेकर आए थे अंपायर के जरिए और अपील करने के बाद अपने स्थान पर जाते हुए तो इसरार के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं अभय। अभय थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं इसरार के सामने। तो इसरार कैप्टन भाई इसरार 11 में नहीं, भाई बहुत सिंह नहीं आए, बड़े सितारे हैं इसरार 11 में, भूपेंद्र सिंह है बड़े सितारे। और इसरार के लिए दौड़ना शुरू किया, मिट बनाए, गेंद की फुल टांग बना कर खेलना चाहते थे भाई। मेरा नेट सही है भाई, मेरा नेट सही है भाई, पेड़ के जरिए खेल दिया। मेरा नेट सही है दोस्त, फील्डर अपने मार्ग पे दौड़ कर जाते बड़े आसानी के साथ एक रन बनाने में कामयाब रहे। तो एक रन के रंजीत है, सन्नी है, अनस है, पहला ओवर जारी, सामना करेंगे आगे रंजीत सिंह है। पहला ओवर अपनी टीम की जानिब से पहला ओवर बोल रहा हूँ और उठा दिया सीधे लाओ पर 4 रन के लिए गेंद गोली के वानिंद। अगर इस स्पीड देखा जाए नहीं है भाई, नहीं है, लाइव को शेयर कर दे रही है 6 रन के लिए। तो इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन, पहला 11 रन बन गया पहला ओवर। बॉलर है अभय, सामना कर रहे हैं आदिल। तो आदिल ने रवि रंजीत आए हुए भाई, भाई बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर कर दिया है 11 और अपना स्कोर देखा जाए तो उनका प्रगति उनका स्कोर आदिल का टोटल स्कोर सही बात है। फिर आदिल ने उठा दिया है 6 रन के लिए। तो अभय का अब लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख दिया है, अभय की लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख दिया ओवर मुकम्मल। तो एक ओवर के इख्तिताम पर बिना कोई विकेट के नुकसान पर 17 रन। तो अगर देखा जाए तो 17 रन बन गए भाई पहले ओवर में। तो हमारे दरमियान मेहमान खास प्रेम प्रकाश चतुर्वेदी पूर्व प्रधान भागवत और हमारे बीच कमलेश शर्मा जी भागवत मौजूद है और साथ में नौसाद अहमद साहब ग्राम प्रधान मंदे, इनका भी शुक्रिया। तो उनके तमाम साथियों का शुक्रिया कि मंदे का शहनवाज है भाई, शहनवाज लेफ्टी भी है, ये आदिल कहां का बैट्समैन है भैया, यही कहीं है। और यहां पर आपके मैच मैन ऑफ द सीरीज का ऐलान भी रखा गया भाई, 25,000 और 12,000 प्राइस है बता दे भाई। अबे धीरज सिंह, धीरज सिंह क्रिकेट की दुनिया में आए ना भैया, भारी नाम है क्रिकेट की दुनिया में धीरज सिंह। धीरज सिंह आए हैं अगला ओवर लेकर इसरार कैप्टन। तो क्या आज इसरार कैप्टन का मुकाबला धीरज की गेंद से होने वाला है। लाइव को शेयर करते रहिए भाई, लाइव को शेयर करते रहिए, जौनपुर से लाइव को शेयर करते रहिए। और बेहतरीन प्लेयर माने गए हैं भाई, सलमान की टीम हार गई, प्राइस बताया तो भाई इस्तेमाल करेंगे। अच्छा यही आदिल भाई चकिया है, खेलना चाहते थे कार्ड ट्रेड के जरिए गिर गई, जब तक वहाँ पर फील्डर बॉल बॉल का फील्ड करता आसानी के साथ आदिल भाई ये चकिया इकरार ने चहलकदमी करते हुए एक रन बनाने में कामयाब रहे। तो इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 है, दूसरा ओवर प्रगति पर बिना कोई विकेट के नुकसान पे। तो एहसान हार्डवेयर का स्कोर अरशद, अरशद की टीम का स्कोर देखा जाए तो 18 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर। तो
धीरज सिंह, तो धीरज सिंह अपने आप पर कंट्रोल किया। बॉलिंग रनक देखा जाए तो 12 से 13 कदम छोटा रनक स्टार्ट और मोहम्मद रोमान अपने साथियों के साथ कुछ छेदायत कर रहे हैं। धीरज कोर्ट की टीम हार गई थी भाई कल, और वहां पर आदिल, क्या आदिल फिर इस्तेमाल करेंगे? और आदिल लगातार सिक्सर मार के निकाले जाते हैं, वहां पर खराब फील्डिंग कही जाएगी। बहरहाल आदिल और उनके इसरार कप्तान ने अपनी जगह से भाग कर एक रन पूरा किया, तो एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर प्रगति पर। बॉलर नेम है धीरज सिंह, तो धीरज सिंह अब सामना करेंगे टूर्नामेंट में। भाई टूर्नामेंट खिलाड़ियों से बनता है, क्रिकेट की दुनिया में इनाम और प्राइज से नहीं। बड़े बड़े सितारों को उन्होंने मैच को हराने में अपना काम नुमाया किरदार दिया है। आज यहाँ पर बड़ी देर से इन दोनों टीम का इंतजार था, अंपायर का इशारा कि वाइड, तो वाइड के साथ एक इशारा रन आता हुआ। अंचल के लगभग सभी खिलाड़ी कर गए हैं भाई, इस सीजन में पहली बार नुकसान पे दूसरा मैदान अच्छा नहीं है भाई, लेकिन सारे खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट लाइव को शेयर करते रहे आप लोग। और एहसान हार्डवेयर मंदे प्रदीप वाली टीम जीती है भाई, आज इस सेमीफाइनल में है, लग रहा है इसमें से जो जीतेगा उसका मुकाबला खेला जाएगा और खुदादादपुर से। नहीं हो पा रहा है क्योंकि लंबी दूरी का फासला और बीच में सीमा बहुरा जहाना गेंद। शेयर करते रहिए आप लोग लाइव को, शेयर करते हैं 1K करिए, कम से कम 1K भाई। रन नहीं उगल रहे हैं और आदिल के पल्ले तो रन उगले हैं, मगर एहसान हार्डवेयर ये दिल में सोच कर बैठे हैं कि कम रन बनेगा तब मजा आएगा। अर्शद एंड कंपनी मंदिर ये सोच रहे हैं कि जितना स्कोर बना उतना मजा आएगा, क्योंकि दोनों अपने आप में एक अच्छी मकान अच्छी पहचान रखने वाले साथी हैं। दोनों ने अपनी टीम को उतारा, यहाँ पर धीरज सिंह अपने खिलाड़ियों को थोड़ा सा दिशा दे रहे हैं कि थोड़ा सा आप अंदर आइए, थोड़ा सा आप बाहर चलिए। तो फिर आदिल और बाकी काम विकेट कीपर मिस्टर नोमान ने किया। तो नोमान, यकीनन नोमान के शुरुआती दौर के बारे में बता दूं कि वो बाली बाल से भी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, और उसके बाद जब क्रिकेट की दुनिया में आए तो उन्होंने बड़ी दूर तक कट गया 5 रन भाई, 5 रन कट गया, अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो धीरज सिंह अपनी टीम की जानिब से दूसरा ओवर, अपनी कोटे का पहला ओवर, पटकी हुई गेंद थी और इशारा पहला बाउंस हो चुका। अंपायर रेफरी महोदय ने इशारा दे दिया, अंपायर महोदय ने इशारा दे दिया कि अब आप बाउंस करेंगे, तो उस बाउंस के साथ आपको नो बॉल भी करना। 4 ओवर कमाए जब भाई, 4 ओवर कमाए चल लाइव पे जल्दी शेयर कर दो भी सकता है मिनाज भाई। अरे भैया ये खुदादादपुर चिरैया कोर्ट के पास वाला मिनाज से चांद का ये बेहतरीन अनाउंसर और बेहतरीन जोड़ी है। फिर धीरज से दौड़ना शुरू किया और वहां पर आदिल ने खेल दिया है बड़ी आसानी के साथ, जब तक शुक्रिया भाई आपका भी। दोनों बल्लेबाज और यहाँ पर ओवर थ्रू का पूरा फायदा मिलता हुआ अर्शद एंड कंपनी मंदिर, और यहाँ पर इंसान हार्डवेयर के ऑनर ये सोच रहे हैं कि अगर ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारे लिए नुकसान साबित हो सकती है। दो ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 23 रन। अब आदिल का आंखों का हाल सुनाने के लिए तेईस रन बन चुका है भाई 2 ओवर में। ओके तो बॉलर, तो अगर अर्शद एंड कंपनी अगर ये मैच जीती फरहान साहब की जानिब से 500 रुपए का इनाम आ रहा है। अर्शद एंड कंपनी की टीम मैच जीती है तो 500 रुपए का इनाम आ रहा है। तो आगे का आंकड़े का हाल सुनाने के लिए मैं अपने साथी कमेंटेटर मिनहाज सिंह चांद पर जीएनपुर से गुजारिश कर रहा हूं कि आए और अपने सुरीली आवाज से हम तमाम साइकिलों का दिल जीते। दो ओवर के खात्मे पर स्कोर है 23 रन, सैलेंडर को लाया गया है। तीसरे ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के खासा बाहर, काफी दूर गेंद की और ये वाइड बॉल का इशारा, इस वाइड बॉल के साथ स्कोर जा पहुंचाए अब 24 रन। तीसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है,
इसरार कैप्टन और आदिल की जोड़ी इस वक्त मैदान में। सैलेंडर तैयार कमेंट्री बॉक्स एरिया से 12 से 13 कदमों का रन चले जुटते हुए करीब आते हुए इस बार फिर से अच्छी बॉल लेफ्ट आर्म और बैट का किनारा भी वहां पे लगा और अंपायर की नजर में बिल्कुल पकड़ेगा और ये आउट। झटका लगता हुआ बहुत ही बेहतरीन लेंथ थी, बैट का किनारा लगने के बाद गेंद और ऊंचाई तक थोड़ी सी गई, ऐसा लगा कि ये बाउंसर आएगी लेकिन किनारा वहां से लगा और ये पहला झटका लगता हुआ यहां पर। तो करहा कपाने वाला है, करहा में 2 तारीख से एक टूर्नामेंट आने वाला है जिसमें 16 टीम की एंट्री ओपन टूर्नामेंट, फर्स्ट प्राइज ₹35,000 और सेकेंड प्राइज ₹20,000 और एंट्री फीस जिसकी रखी गई है ₹4,000। आने वाली 2 तारीख करहा टूर्नामेंट, फर्स्ट प्राइज ₹35,000, उप विजेता टीम को ₹20,000 और जिसमें 16 टीम का नामांकन होगा। अब मुजम्मिल तो रन बिल्कुल बन नहीं रहे हैं, मुजम्मिल सऊदी रिटर्न फिर से वापसी कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में। आज से 10-12 साल पहले खतरनाक डेंजरस बैट्समैन जाने जाते थे हार्ड हिटिंग के लिए। सैलेंडर चले विकेटों के करीब आते हुए अगली गेंद, इस बार वो तेज गति से गेंद आई, चढ़ी नहीं बल्ले पे, अकबर खान के करीब गेंद आ रही है और आसानी के साथ गेंद को पिकअप किया और रिटर्न पहुंचा दिया अपने बॉलर सैलेंडर की तरफ। भाई कैसी दिल्ली भाई, यहाँ कोई दिल्ली नहीं है भाई, और अच्छा करना पड़ेगा इकलौते बैट्समैन से जो छक्के और चौके लगा। ओसामा नहीं है भाई, ओसामा नहीं है, आदिल का बल्ला बोल रहा है और हल्ला बोल रहा है, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर सप्लाई किया, सेंड किया 6 रन के लिए, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी, 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा। शेयर कर लो आप लोग, 31 हो गया भाई, तीसरा ओवर 11। मंदे की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है 31, जिसमें 5 रन इनका माइनस है, खुद माइनस करवाया वहां पे आदिल ने अपने जींस पहनने की वजह से, नहीं तो ये स्कोर इस वक्त 36 के करीब होता। तो सैलेंडर कुछ सोचते हुए, शेयर कर लो भाई लोग लाइक, चले विकेटों के करीब और फिर से वन शॉट और उसके नीचे अनास, क्रिकेट की दुनिया का बेहतरीन चारों तरफ और बेहतरीन कैच पकड़ के आदिल के इनिंग का खात्मा कर दिया। आदिल इज बैक टू पवेलियन, बेहतरीन स्ट्रोक था, दूरी तय नहीं कर सकी गेंद और उसके नीचे, अनस जैसा खिलाड़ी जहां पे मौजूद हो, जहां पर सेफ एंड में गेंद जाए और एक आसान सा कैच पकड़ के इनके इनिंग का खात्मा कर दिया। नए बैटमैन का नाम आ जाए अकबर भाई, क्या नाम इनका, विशाल, विशाल बिहारी के नाम से जाने जाने वाले ये खिलाड़ी विशाल आए, विशाल भाई क्या करेंगे, अम्बेडकर नगर खब्बू बल्लेबाज, क्या शॉट खेला है, वाह लाजवाब स्टॉप, बेहतरीन स्टॉप, पहली ही गेंद पे 600 की स्ट्राइक रेट के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन इनसाइड स्ट्रोक था अकबर खान और धीरज सिंह गेंद को सिर्फ भाई जोरा भाई मंदे में मंदे लाइन के बाहर, एक बार फिर अगली गेंद लगा के हो पानी को गुलाबी कर दिया, बेहतरीन स्ट्रोक, वाह ये है बिहारी, भारी पड़ गए अंतिम 2 गेंद पर सैलेंदर के, सलमान की टीम बाहर हो गई भाई, मोमेंटम शिफ्ट किया है, बदलाव किया है खेल में। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस वक्त 45 रन, ये अंतिम ओवर तय करेगा क्या 65 से 70 जाएंगे, लेकिन धीरज सिंह बहुत दिग्गज ऑलराउंडर माने जाते हैं और ये पूर्वांचल के नहीं पूरे दुनिया में इन्होंने नाम कमाया है, ये हर जगह खेला है, शारजा स्टेडियम में भी इनकी गेंदबाजी देखने को मिली है, तो बहुत बड़ा नाम है, सहजात नहीं है भाई, सहजात नहीं है, ग्राम सभा में मैच को जब पढ़ा जाए तो बड़ी स्मूथ रनअप है, गेंदबाजी जब तो आते हैं तो बल्लेबाज को परखते हैं, धीरज सिंह राइट आर्म वर्थ विकेट, हाँ हाँ मुजम्मिल बड़ा नाम है ये,
तो राणा चावल आज फिर से रंग में दिखाई दे रहा है। 10-12 साल पहले इनका जलवा था, अलग किस्म के खिलाड़ी थे ये, पावर इनके पास अलग है। सऊदी अरब गए, फिर से रिटर्न किया अपने आप को, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे आए, यानी कि जबरदस्त स्टॉप, पावर हिटिंग जनरेट किया। स्कोर अब क्या पहुंचा है, 49 लास्ट 2 विकेट। एक बार फिर धीरज सिंह चले विकेटों के करीब आते हुए अगली गेंद, फिर से मदद मिल, वाह 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 वाह, ये खबर अच्छी ले रहे हैं। अरे मदद मिल, क्या काम किया है आपने, जैसा नाम वैसा काम, वाह शानदार पावर हिटिंग। ये देखिए, जितना पुराना चावल पुराना होता है उतना सुगंध छोड़ता है। आज ये गेंद बल्लेबाज पूरी लय में दिखाई दे रहा है, छोटे कद का धाकड़ बल्लेबाज इस वक्त। मैच में अब लड़ने नायक स्कोर बना रही है इसरा रेलवे कंपनी। एक समय ऐसा था कि 40 से 45 तक दिख रही थी, अब यह स्कोर 65 से 70 तक जाता दिखाई दे रहा है। अब स्कोर है 55। तो राज स्टूडियो फिर जुड़ रहे हैं, लगातार 3 छक्के पे 100 रुपया, 2 छक्का लगा चुके हैं मुजम्मिल, अच्छे समय पे आए यहाँ, क्लीन बोल पे 100 रुपए, मौका अच्छा है दोनों टीम के लिए, दोनों खिलाड़ी के लिए। एक तरफ धीरज सिंह के लिए 100 रुपया, तो छक्का लगाएंगे मुजम्मिल के लिए 100 रुपया, क्या होगा। फिर से गेंद चली है, फिर से गेंद चली है, और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़े गेंदबाज की अच्छी खबर लिया है मुजम्मिल ने, कहा कि आज से 10-12 साल पहले मेरा भी एक नाम चलता था, मेरे नाम का सिक्का चलता था, 100 रुपए आ जाइए। राज स्टूडियो की तरफ से पहले ही 2 छक्का लगा चुके थे भाई, आपके आने से पहले ही, आप जैसे आए वैसे अनाउंस किया, तो 100 रुपया हो गया, 100 रुपया मुजम्मिल। अरे वाह, डेंजरस बल्लेबाजी, क्लीन बोल पे 100 रुपए राज स्टूडियो की तरफ से। मुजम्मिल आज पूरी तरह से खोल दिया है गेंदबाज को, बैक टू बैक 360। चौथे की फिराक में धीरज सिंह, अगली गेंद फिर से, इस बार आई नहीं बल्ले पे सही तरीके से, और लेकिन आई बाउंड्री लाइन के बाहर, जैसे भी रन आया वैसे अच्छा है इस समय। वाह वाह, दर्शकों का दिल जीत रहा है आज ये बंदा, आज तूफान मचा दिया है पूरे ग्राउंड में, विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाजी। पिछली 4 गेंदें 22 रन, और टैक्सी मीटर की तरह यह स्कोर बढ़कर अब जा पहुंचा 61 रन, माफ कीजिएगा 65 रन, 65 रन बन गया भाई। आह, इस बार उछाल लेती हुई गेंद और अंपायर का इशारा, लीगल बॉल आती हुई, और वहां से पोजीशन बना रही थी, क्या व्हाइट बॉल आएगी, ऊपर भी गेंद थी, बाउंसर का इशारा भी आए, बाल बाल बचे व्हाइट से, अंपायर की नजर में बिल्कुल। शेयर करते रहिए भैया, परफुल वाला मैच, परफुल की टीम हार गई भाई, खालिद 11 जीती है, पप्पू 11 हार गई। क्या इस गेंद पे 6 लगाएंगे, स्कोर जा पहुंचेगा 71। इस बार बल्ले पे गेंद आई है, वहां पे फील्डर के हाथ में गेंद आती हुई, और फिर से मुजम्मिल कह रहे हैं कि ये क्या बाउंसर थी, क्या थी, यहाँ पर दोनों अंपायर बातचीत कर रहे हैं, क्या यहाँ पे नो बॉल आएगी या लीगल गेंद यहाँ पे डिलीवर हो जाएगी, वो बातचीत दोनों अंपायर कर रहे हैं। यहाँ पे आउट का इशारा किया गया, और ये आउट, तो इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 65 रन, 66 रन का टारगेट दिया है, स्कोर इज 65। लास्ट 2 गेंद पे कोई रन नहीं आया, एक बाउंसर दी गई, अगली गेंद भी थोड़ी सी ऊंचाई तक थी, अंपायर की नजर में लीगल बॉल, आउट हुए। अगर लास्ट 2 गेंदों पर भी बाउंड्री आ गई होती, स्कोर 75 के करीब जाता,
शुक्रिया काशी भाई, सब कुछ ने उछावर कर दिया इस टूर्नामेंट में। सबकत भाई, साकिब भाई, तमाम लोगों की मेहनतों का नतीजा की चिड़िया कोर्ट के पास लगातार अपनी रवानी और जवानी पे आगे बढ़ रहा है। भाई खाना खा रहा हूँ भाई, जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। 45 तक रुकेगी टीम, लेकिन मुजम्मिल ने क्या नॉक खिलाए, क्या उन्होंने बैटिंग की आखिरी लम्हे में जिस तरह से धीरज सिंह पे प्रेशर बनाया, 22 रन हासिल किया, तीन लगातार छक्के लगाए, फिर उसके बाद बाउंड्री हासिल की। अंतिम दो गेंद पे कोई रन नहीं आया। तो इसमें से जो टीम जीतेगी खुदापुर से खेलेगी। हाँ, खुदापुर अपने तमाम प्लेयर बिल्कुल तैयार रखे। तीन टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, चिरैया कोट, खालिद 11, इसके अलावा पंडी घाट की टीम भी पहुंच चुकी है, गिलमान 11, और इसके अलावा खरिहानी की भी टीम है। तो इस टीम में पुराने दिग्गज गेंदबाज नजर आ रहे हैं, अली शेर बाबा, भूपेंद्र सिंह बेहतरीन लाइन लेंथ, साइम भाई, सब है भाई, सब है, सब है, आरिफ भाई, ये तमाम पुराने दिग्गज हैं। आज ये कुछ भी करने को तैयार है, फिर से इनकी प्रैक्टिस हो गई है, तो ये खिलाड़ी आज कुछ भी करने को तैयार हैं। थोड़ी सी उम्र तो हो गई, लेकिन अगर इनके पास प्रैक्टिस बखूबी होगी तो ये मैच फंसा भी सकते हैं। चलिए अर्षद भाई, जो बात खत्म हो गई उसको खत्म कीजिए, अब आगे का खेल खेलिए। अच्छा खासा आप रन भी बना चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, तो वो लौटने वाले चीज नहीं है। तो अपनी फील्ड लगा ले मेरे दोस्त, समय लगातार निकलता जा रहा है। इसके बाद एक क्वार्टर फाइनल, दो सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला खेलना है, दो बच चुके हैं, लगभग 3 घंटे का समय और बचा हुआ है। जो भी चीजें उसे फिनिश कर दें आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। तो मैं देख रहा हूं दो धाकड़ बल्लेबाज इस वक्त रवि बनारस और उनके साथी पार्टनर इस वक्त ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं। प्लीज आप बात को आगे ना बढ़ाइए, जो भी चीजें खत्म कीजिए मेरे दोस्त। एक अच्छा मुकाबला है, अच्छा खासा रन टारगेट है, समय के साथ चलेंगे तो ये मुकाबला बड़े आराम से आगे बढ़ जाएगा। पैंसठ रन बनाया है, 24 लीगल गेंदे, 66 रन का टारगेट है इस एहसान हार्डवेयर मंडी को, इस मुकाबले को जीतने के लिए। हाँ भैया, लाल बिहारी भी आए। इस मुकाबले को अगर जीतना है भाई, टारगेट तो आप भी सुन सकते थे भाई, 16 रन बनाने पड़ेंगे। टारगेट तो आप भी सुन सकते थे, आप भी लाइव देख रहे हैं। जो नियम और रूल्स है उसको फॉलो कीजिए। ये सारे मुकाबले लाइव चल रहे हैं और सबको पता है कि आप पैंट पे, जींस पे ये मुकाबला नहीं खेल सकते। सबका माइनस किया गया है, बेल्ट जो लगाकर खेल रहा है उसको भी माइनस किया गया है। और ये सारे मुकाबले लाइव चलते हैं, आपको 5 मिनट देख सकते हैं कोई भी मुकाबले की क्या हो रहा है इस टूर्नामेंट में। 66 पे जीत भाई। जी हाँ, जो रूल्स होते हैं क्रिकेट के, सारे रूल्स यही होते हैं कि आप बिल्कुल फॉर्मल में आए, बेहतरीन जो लोअर टी शर्ट इसका इस्तेमाल करें। आप तो किसी पार्टी में तो नहीं जा रहे हैं।
खेल के मैदान में आ रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। राहुल की टीम सेमीफाइनल में भाई, पहला ओवर जादूगर सायम भाई को शायद उनके हाथ में खेद है। बेहतरीन बॉलर अपने समय के क्रिकेट से दूर रहे, सही में काटे। लीजेंड क्रिकेट आई, वहां से वापसी की, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आई। 5 रन कटा है, किस लिए? नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम आ जाए। उद्घाटन कर रहे थे तभी बताया, माफ कीजिएगा रवि, नॉन स्ट्राइक पे स्ट्राइक पे रंजीत जी। जी हाँ, ये भी बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का। तो साइन के हाथ में गेंद, लेफ्ट आर्म, फर्स्ट विकेट गेंदबाजी करेंगे, बाहर की तरफ लेके जाएंगे, गेंद कोण बनाती हुई निकलेगी या किस तरह से, इसमें से जो टीम जीतेगी क्वार्टर फाइनल खेलेगी। कुछ नहीं हुआ है, वो अंपायर में जो है तैयार है, पर ओवर में 16 जींस के लिए रन काटा, एक फील्डर 60 है यहाँ स्लीपर के लिए, किसी को ऐड किया जाएगा, कोई है? कोई प्लेयर ऐड होना चाहता है तो ऐड हो जाइए, अगर आपके पास लोअर जूता है तो। अकबर भाई है, 84 सब्जी भंडार की तरफ से लगातार 3 छक्के पे 100 रुपए का इनाम है और राज स्टूडियो की तरफ से भी 100 रुपया। तो खाली देलोन के कुछ प्लेयर ग्राउंड के अंदर नजर आ रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा सा पुश हो जाइए पीछे, किसी का रन ना रुके ताकि मैच में कोई ध्यान ना आए, प्लीज आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, बहुत सारी जगह है। तो बल्लेबाज के पैर में चोट लगी है। रवि बनारस साइम, पहली गेंद झूलती हुई, यहाँ पर टीपू की जोरदार अपील आ रही है, क्या उनका पैर आगे खींचा है? ये साइम है स्पिन के जादूगर, अभी भी उनकी उंगलियां काम कर रही है, बेहतरीन झूलती हुई गेंद थी हवा में। मोहम्मद साइम एक बार फिर तैयार, क्रिकेट का लीजेंड प्लेयर, बहुत बड़ा नाम। जी हाँ, अरशद भाई की टीम अगर जीतेगी तो 500 रुपए का इनाम फरहान साहब की तरफ से। अगली गेंद किस तरह के करेंगे? पहली गेंद रंजीत को झूलती हुई थी हवा में, फिर से झूलती हुई गेंद बैट का लगा किनारा, माय गॉड, कैच को ड्रॉप कर दिया यहाँ पर टीम कैप्टन ने और थ्रो हुआ यहाँ पे, स्ट्राइक रेट चेंज भी हुई, एक बड़ी मछली जाल में फंसा लिया था मोहम्मद साइम स्पिन के जादूगर ने, बैट का किनारा लेती हुई इसरार भाई की तरफ गई थी गेंद। जी हाँ, जो वहां पे नहर है वहां पे फोर व्हीलर न खड़ी करें, जहां से आने जाने को कोई दिक्कत ना हो तो वहां से गाड़ी हटा ले, प्लीज कहीं और शिफ्ट कर दें। साइन एक बार फिर मंदे में हो रहा है भाई, हवा में झूलती हुई गेंद, फिर से कोर बनाती हुई, इनकी गेंद कोर बनाती है और इनको गेंदों को पकड़ना और परखना बहुत मुश्किल काम होता है, ये गेंदबाज फिर से लय में आ गया है आज। रंजीत और रवि बनारस को यहाँ पे हैरान परेशान कर रहा है ये गेंदबाज। साइन एक बार फिर छोटा सा रन अप, हवा में झूलती हुई, फिर से इस बार छोटी गेंद थोड़ी सी पकड़ रहे थे लेकिन फिर झूल रही है गेंद, ये गेंदबाज आज फिर परेशान कर रहा है। स्कोर है मात्र एक रन पे ये टीम फंस रही है, ये मुकाबला 8 से 10 ओवर का नहीं हो रहा है कि एक बार स्कोर बोर्ड पे रन चढ़ जाएगा तो फिर मुश्किल हालात हो जाएंगे। वेल्डन, क्या गेंदबाजी कर रहा है ये बंदा आज, सब पुराने प्लेयर इस टीम में, ये फिर से झूलती हुई हवा में गेंद अपील आ रही है, टीपू भाई फिर से एक बार बिल्कुल चिपके हुए हैं, क्या कॉम्बिनेशन बना के रखा है। मंदे भैया चिड़ियाकोट और जहानागंज के बीच में है कि कैसे रवि बनारस और रंजीत को रोका जाए, क्या गेम चल रहा है, फंसा के रखा है यहाँ पर, ये फिर से
इस बार उठी नहीं गेंद। हाँ 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 हाँ, ये पुराना गेंदबाज आज फिर से लय में, मात्र एक रन। अरे वाह, आज से 2000 सैम भाई, मैं इनको देख रहा हूँ, सिर्फ एक रन बना। इनका गांव है, इन्हीं गांव से मैं ताल्लुक रखता हूँ। लगातार 3 छक्के पे 84 सब्जी भंडार मंदे की तरफ से 100 रुपए का इनाम है। राज स्टूडियो की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम मंदे। आज से नहीं है इनका, अभी कुछ करता हूँ भाई, पहले देख लूं। 92-94 से इनका कैरियर चल रहा है। जी हाँ, साइम भाई को 100 रुपए का इनाम आ चुका है तालिब मंदे की तरफ से। हाँ, तालिब भाई मंदे, एक समाज सेवी, 100 रुपए का इनाम आ गया। बड़ा दिग्गज गेंदबाज, अब अली शेर बाबा को लगाया जा रहा है। शेयर करते रहिए भैया, लाइव शेयर करते रहिए। क्रिकेट में बहुत ऊंचाई तय की है ये लीजेंड की टीम, आज कमाल कर रही है, यानी कि नौजवान खिलाड़ियों को धमका रही है आज। अली शेर बाबा, गाड़ी हटा ले प्लीज, जिनकी भी फोर व्हीलर गाड़ी है वहां नहर से हटा ले। अली शेर बाबा, पहली गेंद बैट का किनारा गई कैप्टन के पास, और यहां पे अपील हो रही है। चार ही ओवर का तो मुकाबला है ये, ओवर में अगर 20 रन नहीं आए तो ये मुकाबला फिर 68-11 मंदे की टीम जीत जाएगी। व्हाइट बॉल का इशारा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम, एक एक ओवर में 32-34 रन भी बनते देखा गया है, तो जब तक लास्ट बॉल ना हो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, लेकिन इस समय गेंदबाजी अच्छी हो रही है। व्हाइट बॉल, एक रन जुड़ा, स्कोर अब क्या पहुंचा है 2 रन। अली शेर फिर से एक बार, जैसा नाम वैसा काम, ये भी बंदा क्रिकेट को लगभग छोड़ चुका था, लेकिन फिर से वापसी। ये लीजेंड क्रिकेट जब से आई है फिर से इनको जोश दिला दिया है, इनके बदन में खून फिर से गर्म हो गया है इनका। बाबा फिर से बाबा ऊपर निकल गई है गेंद, उसके नीचे दो तीन फील्डर, क्या कैच पकड़े जाएंगे, एक बार ड्रॉप हुआ, आरिफ है और कैच को पकड़ लिया। ओ माय गॉड, ये देखिए कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके पीछे आरिफ दिग्गज प्लेयर आए और वहां पे डबल खिलाड़ियों से बीच होती हुई ये गेंद, रंजीत इज आउट, बैक टू पवेलियन, बड़ी मछली जाल में। साइम भाई के ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन अली शेर बाबा ने सटीक लाइन लेंथ से इनका काम तमाम कर दिया। इनकी जो लेंथ होती है, वो बल्लेबाज आगे जाए या पीछे जाए, किधर जाए, वो समझ में नहीं आती, इसीलिए इनका नाम बाबा रखा गया, डेंजरस बॉलर, क्रिकेट की दुनिया के खतरनाक बॉलर माने जाते हैं। फिर से वापसी कर रहा है ये बंदा, लीजेंड है ये, खतरनाक गेंदबाज है। नए बैट्समैन शहनवाज, जी हां, इनका भी कैरियर बहुत बेहतरीन चल रहा है। क्लीन बोल्ड पे 100 रुपए हैं बाबा, हैट्रिक छक्का पे 100 रुपए हैं राज स्टूडियो की तरफ से, और चौरसिया सब्जी भंडार की तरफ से 100 रुपए जीतिए। आप फिर से उड़ गई है गेंद, फिर बाबा जा रहे हैं और यहाँ पर टीपू, माय गॉड, यहाँ पे प्रेशर की बाल्टी पूरी तरह से गिराई जा रही है। रवि मिश्रा जी की उंगली हवा में बुलंद होती हुई। चलिए भैया, दूसरा विकेट का इनाम है। ये देखिए राज स्टूडियो और अपने फोटो को क्लिक कर रहा है, यहाँ पे पैसे को और निकाल रहा है। लेजेंड खिलाड़ियों ने तो धूम मचा दिया है राज स्टूडियो। अब आ रहे हैं क्रिकेट के किंग नोमान से, बीच मझधार में ये टीम फंस रही है। अंदर अंदर यार हूँ आज के स्टार को, राज स्टूडियो के मालिक कह रहे हैं कि अब ये मेरी भी बदन गर्म हो चुकी है मैच देखते देखते। अगर अली शेर बाबा नोमान को इस गेंद पे आउट करते हैं, इस ओवर में आउट करते हैं, तो 200 रुपए अर्शद भाई की तरफ से और राज स्टूडियो की तरफ से भी 200 रुपए। यहाँ पर मैं
रुपए दे रहा सभी बंदार की तरफ से 200 रुपए। मीरान भाई, मीरान भाई, सब लोग नुमान के चक्कर में पड़े हैं, क्या बात है भाई। ये क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, जो अगर रह गए तो मैच फिनिश कर देंगे। पहली गेंद खूबसूरत शॉट और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए अब स्कोर जा पहुंचा है। 6 रन, मात्र 6 रन है। और अफरोज भाई, ये 6 ओवर 8 ओवर का मुकाबला नहीं है कि आप वापसी कर बैठेंगे, मात्र 6 रन है ये। एकदम सही आपने कहा, एक 4+4 का मुकाबला। बाबा बाबा बाबा, जबरदस्त 2 विकेट लिया। गई बही पानी में, कारपेट के जरिए खेला। बॉलर टुरू ने अपने जिगर पे गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। आज भी अलीशेर बाबा के हाथ में वो गेंदे हैं जहां से छक्के चौके लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। हमेशा ये बहुत किफायती बॉलर रहे हैं और वही कर रहे हैं। अलीशेर चले विकेटों के करीब आते हुए अगली गेंद, फिर से अच्छी बात, बैट का अंदरूनी किनारा लगा, मोहम्मद साहिम की तरफ गेंद गई। पहला ओवर इनका बहुत इंपॉर्टेंट था, मात्र 1 रन दिया, वहीं से मैच का पूरा नक्शा बदल दिया इन्होंने। 12 बॉल पे कितना चाहिए की समाप्ति पर 7 रन, मात्र 7 रन और 65 रन का टारगेट है। तो आने वाली 12 गेंदें 66 रन का, आने वाली 12 गेंदें 61 रन। 12 बॉल पे 61 रन की जरूरत, 12 बॉल पे 61 रनों की जरूरत। दर्शक अब समझ गए कि ये मुकाबला बहुत दूर जा रहा है नुमान एंड कंपनी से। अब यहाँ से अनहोनी होगी तो कुछ होगा, लेकिन क्रिकेट का एक और दिग्गज गेंदबाज भूपेंद्र सिंह, ये भी और क्वालिटी का गेंदबाज है। इनको छुपा के रखा था कि मैच फंसेगा तब, लेकिन इस वक्त तो ओपन मैच है, ओपन मैच। क्वालिटी भाई, नेटवर्क थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है और तो क्वालिटी ठीक है भाई। 95% अपने नाम कर चुकी है। 12 बॉल 61 रन, यानी कि इस बार में 5 छक्के लगाने ही पड़ेंगे। स्कोर है मात्र 7, कितना रन, 7 रन, 7 रन। फील्डर नहीं है तो जूता पहन कर ही जाइएगा, या पैंट पहन के जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपकी, ये भी आप ध्यान देंगे। 5 रन ऑलरेडी माइनस है। चलिए इस ओवर में नुमान शेख को 5 छक्के लगाने पड़ेंगे, वो क्या होगा। मात्र 7 रन है, 61 रन बनाने आने वाली 12 गेंदों पर। ये क्रिकेट में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि 12 गेंदों पर 60 रन के करीब बन जाए, वो भी चेस करते हुए। अरे इनको खातिम, ये क्या होना भाई, ये अरशद भाई की जो टीम है ये लीजेंड टीम है, युवाओं की टीम नहीं है ये। जी हाँ, तजुर्बा इनके पास है, एक्सपीरियंस इनके पास है और सब कुछ झोंक दिया है आज। मीनाल भाई, मीनाल भाई देखिए, एसआर हार्डवेयर की टीम कहीं से कमजोर नहीं है। शेयर करते रहो भाई, लोग बड़ी जबरदस्त स्टेक टीम है। अब आए हैं भूपेंद्र सिंह। अब देखिए, अगर नवान साहब कुछ करेंगे तभी मैच जीत पाएंगे, वरना यहाँ से मैच उनके छीन। मैच लगभग जा चुका है इसरार एंड कंपनी के खाते में। यहाँ से सिंगल से कोई परेशानी नहीं होगी अरशद 11 बंदे को, मैच लगभग जा चुका है भाई। वाला नहीं काम यहाँ बनेगा, छक्के से चौथे। अरे बहुत रन चाहिए, 11 बॉल। मुराल यहाँ छक्के की बरसात करनी पड़ेगी। रवि बनारस धाकड़ बल्लेबाज, क्या बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाएगा इसके ऊपर, ये उठ गई है गेंद, उसके नीचे फील्डर और जज नहीं कर पाए, आगे निकल गए। फिर भी सिंगल मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कई ड्रॉप। यहाँ से नुमान एंड कंपनी को यह मैच जीतना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो चुका है। भूपेंद्र सिंह लाइन लेंथ के पास का किंग माने जाते हैं और इस तरह की गेंदबाजी पे छक्का चौका लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। भूपेंद्र सिंह एक बार फिर, इस बार चली है गेंद और बाउंड्री लाइन के अंदर ही है क्या बाहर, इस बार दो फील्डर गेंद को निहारते रह गए, देख के रह गए, लेकिन गेंद बाउंड्री। अब स्कोर जा पहुंचा 15 रन, मात्र 15 ही कहा जाएगा। तीसरे ओवर की गेंदबाजी हो रही है और जिस तरह से मुजम्मिल ने मोमेंटम शिफ्ट किया था मैच में, और इस मैच के अगर 2 महीना
शताब्दी मैच अगर जोड़ा जाएंगे, एक सायम भाई एक मुजम्मिल भाई, मैच का नक्शा पूरी तरह से चेंज कर दिया, खासतौर पे प्रबल दावेदार मुजम्मिल होंगे। शेयर करो भाई लोग, और इस बार फिर से एक बेहतरीन स्ट्रोक। जी हाँ, अरशद भाई की टीम इस मुकाबले को जीती है, तो फरहान भाई की तरफ से ₹500, तो वो ₹500 आप जमा करने की कोशिश करें। जी हाँ, अरशद भाई तो आज शेयर करो यार, आप लोग लाइव पे शेयर भी करते रहो भाई। माशाल्लाह, इनकी दाढ़ी भी और चमकीली दिख रही है आज, तो बेहतरीन स्ट्रोक था यहाँ पर नोमान सेख का। भूपेंद्र एक बार फिर चले, फिर तो करीब आते हुए फिर से हवाई फायर, वाह ये क्वालिटी दिखा रहे हैं भाई। मिराज भाई ₹100 का इनाम भी आ चुका है रवि स्टूडियो की जानिब से, राज स्टूडियो स्टूडियो की जानिब से कुर्ता। हाँ भैया, खाना खा चुके भाई। नोमान का बल्ला लगातार 3 गेंद पे 3 सिक्स लगा चुके, 27 यानी 27 रन टोटल। मिनाज भाई जरा काउंटिंग करें कि कितने रन की और जरूरत है। 39 की लगभग जरूरत है, लगभग 39 रनों की अभी भी जरूरत है इस वक्त इस स्ट्राइक पर। तो 47 नंबर की गेंदबाजों के धुलैया कर रहे हैं, तूल रहे बबो रहे, फिर वही अंदाज लगातार 4 सिक्स। यूपी 50 DR 28-0। अब देखें कितना रन चाहिए, अभी बताते हैं तो बताता हूँ। यूपी 63-14-44, यूपी 45-13-90, ये तीनों गाड़ी रोड पे हटा ले तो बेहतर होगा। हाँ, गाड़ियां हटा ले फिरोज भाई, 6 गेंदे 31 रन, 5 छक्के लगाने पड़ेंगे यहाँ से भाई, गाड़ी हट गई है। शेयर करते रहो आप लोग, लाइव को शेयर करते रहो आप लोग। भाई कितने रन चाहिए, 6 बॉल पे 33 रन, देखना है कौन ओवर लेकर आता है। बाबा है, बाबा कह रहे हैं कि कोहली बॉल पर आई है। सिटी कुर्ता सेंटर न्यू मार्केट सराय में बाबा आए हैं बाबा। तो अब जबरदस्त मुकाबला, 6 बॉल 33 रन और स्ट्राइक पर है रवि। 6 पे 6 चाहिए 6 पे 6 छक्का, 5 छक्का 1 चौका भी चल जाएगा, युवराज बनना पड़ेगा। तो नोमान ने अपना काम तो जरूर किया, उनके साथी बल्लेबाज अभी कुछ कंसमाई नहीं कर पा रहे हैं, देखना है क्या करते हैं बाबा अली से। गया और 5 गेंद 5 बॉल 33 रन गेंद पे मिनहाज भाई कितने रन, 33 चाहिए। यानी अगर अच्छा पर कोई सिक्स लगता है, अगर हो अब नामुमकिन है, अभी कुछ कहा जा सकता है। और गेंद में देख रहा है कि ठीक हमारी आंखों का मैच लेजेंडों ने जीत लिया, लगभग इसरार एंड कंपनी मैच जीत चुकी है। इसरार एंड कंपनी 80% मैच जीत चुकी है, तो मोहम्मद श्याम जो चांद पार, इसरार एंड कंपनी 80% मैच जीत चुकी है। एक रन मात्र अपने पहले ओवर में उन्होंने खर्च किया और बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए और टीपू से मन मन बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अरशद एंड कंपनी का हौसला, पुराना चावल इसरार भाई को देखो, का है कप्तान, अरे कुल सलाम करा तन भैया दुबई वाले सारजा वाले। हाँ हाँ, अरे अब चाहिए 4 बॉल पे 32 रन सीधे रेखा गवार 6 रन के लिए। तो अब यहाँ पे अगर 4 छक्के लगते हैं तो भी कोई कुछ होने वाला नहीं है, मिना से सिर्फ रन की लेजेंड है भैया ये लोग, तो कुछ हो सकता है, इनको अंडर एस्टिमेट करना आप गलती हो भी हो सकती है।
तब मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अब यकीनन चार रन का इशारा था हुआ, तो रेफरी यानी अंपायर को देखा सबका सलाम बोल दिया भाई, मैंने किसी एक का नाम लेके नहीं बोला, सबका सलाम। चार रन का इशारा आता हुआ, स्कोर 43 स्कोर 43 हो चुका है, अभी भी लगभग चाहिए। अच्छा अच्छा दो बाल है तू बाबे। तुम्हें देख रहा हूँ कि बाबा एक से 11 नंबर की गेंद में बेहतरीन कसी गेंदबाजी कर रहे थे टीम की जानिब से, और कॉर्नर के जरिए खेला सामने वहां पर मौजूद थे जिन्होंने अपनी टीम के लिए बेहतरीन कसी हुई गेंदबाजी की। जीत चुकी है लगभग लगभग 99%। अभी पिछले सीजन में इन्होंने ऑल इंडिया के वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ये फील्डिंग में सबसे ज्यादा मुजम्मिल भाई मारे हैं और आरिफ भाई हमारे इलाके में गेम खेल रहा है और यहाँ पर मैच जीत गई है इसरार एंड कंपनी। इसरार एंड कंपनी ये मैच जीत गई, इसरार एंड कंपनी ने ये मैच जीत लिया है। अर्शद भाई का पैसा आ नहीं रहा है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, किसका मैच अगला? एहसान भाई, इसमें से जो टीम जीतेगी वो सुल्तानपुर से क्वार्टर फाइनल। हेलो भाई मोबाइल वाला, हेलो, दोनों टीम टॉस करा लेंगे, जीतने वाली टीम और सुल्तानपुर। चलिए मिलते हैं अगले मैच में भाई, मिलते हैं अगले मैच में। लाइव को सब लोग पेज को फॉलो कर लो यार, सब लोग पेज को फॉलो कर लो जल्दी जल्दी, अभी इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।